नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। देश में कोरोना के हालात कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने से रोक रही है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम रिसर्च, अनेक विशेषज्ञ और विपक्ष लगातार देश में संपूर्ण लॉकडाउन की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि आज यानी सोमवार 10 मई को कुछ केस कम आए हैं, लेकिन अगर बीते लंबे वक्त में आप कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो अक्सर सोमवार को कोरोना के केस कुछ हद तक कम ही होते हैं, जिसके बाद मंगलवार और शुक्रवार होते होते अचानक ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में इसके पीछे क्या खास कारण है वो जानिए। जी, आपको बता दें कि देश में इस वक्त करीब 2500 लैब हैं जहाँ पर कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना संकट काल की शुरुआत से अब तक देश में लगातार लैब्स की संख्या बढ़ रही है। औसतन भारत में मौजूदा तारीख में 17 से 19 लाख टेस्ट हर दिन किए जा रहे हैं, लेकिन सोमवार को कम मामले पीछे होने की वजह भी टेस्ट ही है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतर सरकारी और प्राइवेट लैब रविवार को बंद रहती है। रविवार को सिर्फ चिन्हित लैब्स ही काम कर रही है। यही कारण है कि रविवार को टेस्ट कम होते हैं। अब अगर रविवार को टेस्ट की संख्या कम होती है तो सोमवार को मामलों की संख्या भी काफी हद तक कम ही हो जाती है। आपको बता दें कि देश में इस वक्त एक हफ्ते में औसतन 1 करोड़ टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों ही शामिल हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को सबसे अधिक टेस्ट किए जाते हैं, जबकि वीकेंड के वक्त छुट्टी के कारण इनकी संख्या कम हो जाती है। भारत में अभी औसतन हर रोज 4 लाख के करीब कोरोना के मामले आ रहे हैं, जबकि कुल एक्टिव केस की संख्या अभी भी 30 लाख से अधिक पर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।